शर्मनाक बात यह है कि जब वो बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अश्लील था, उनकी भाषा भी बहुत अश्लील थी और सदन में बैठे कई लोग उनकी बातों पर हंस रहे थे। मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए मैं उनकी निंदा करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि वो इसके लिए महिलाओं से माफ़ी मांगे। वे लोग कितने असंवेदनशील हैं महिलाओं के मुद्दे पर। हम ये मांग करते हैं कि सदन से उनकी जो ये पूरी बात है उस कार्रवाई से हटाई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपना बयान दिया है, उसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। महिला वर्ग जो है वो बेहद आहत है, चाहे आम घरेलू महिला हो या फिर महिला प्रतिनिधित्व क्यों ना कर रही हो। अब इसे लेकर जो बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं निवेदिता झा, उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना भाषाई मर्यादा नहीं खोया बल्कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था जब वो ये अश्लील बातें कर रहे थे वो भी बेहद आपत्तिजनक था। तो पहले आपको हम निवेदिता झा के उस बयान से रूबरू करवा देते हैं। जनसंख्या के मामले पर मुख्यमंत्री ने सदन में कल जिस तरह का बयान दिया वो शर्मनाक है। बिहार महिला समाज की तरफ से मैं निवेदिता इस मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए मैं उनकी निंदा करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि वो इसके लिए महिलाओं से माफ़ी मांगे। शर्मनाक बात यह है कि जब वो बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अश्लील था, उनकी भाषा भी बहुत अश्लील थी और सदन में बैठे कई लोग उनकी बातों पर हंस रहे थे। इससे ये साबित होता है कि प्रतिसत्ता का कितना भयानक रूप सदन में भी दिखता है। वे लोग कितने असंवेदनशील हैं महिलाओं के मुद्दे पर। हम ये मांग करते हैं कि सदन से उनकी जो ये पूरी बात है उस कार्रवाई से हटाई जाए, मुख्यमंत्री महिलाओं से माफ़ी मांगे और जो सदस्य इस मुद्दे पर हंस रहे थे वे भी माफ़ी मांगे। ये एक शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि जनसंख्या एक बहुत गंभीर मसला है, उस पर आप कैसे बात करें। ये इस तरह के बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की भाषा बहुत अशोभनीय है और जिसे सदन में बोला जा रहा है इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हुई है। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री तुरंत इस मामले में महिलाओं से माफ। तो एक तरफ नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बातें कही, अपना जो पक्ष रखा, उसके बाद उसी समय से आप कहिए कि सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के खिलाफ लिखे जाने लगा, बोला जाने लगा, जो मंत्री विधायक सांसद तमाम जो लोग हैं चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, वे इस बयान के साथ नहीं खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और निवेदिता झा ने इसे लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या का मुद्दा बहुत ही गंभीर है लेकिन मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी और उनकी बॉडी लैंग्वेज इसे अश्लील बना रही है। सदन में जिस तरह से ठहाके लगे वो दिखाता है कि पितृसत्ता सदन के भीतर भी कितनी मजबूत है। हमारी मांग है कि उनके बयान को कार्रवाई से हटाई जाए और नीतीश कुमार को इसके साथ ही साथ अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।